हेलो गाइस दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप लोग ने पिछले ब्लॉग में देखा, हम लोग गए थे रानीबाग, वहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा हम लोग ने ब्लॉग बनाया, बहुत मजे किए। पिछले लास्ट संडे हम लोग गए थे एंड आज है 25th of December, तो सब मैरी क्रिसमस। एंड कल है 26th, तो कल हम लोग जाने वाले हैं प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, जो कि लोकेटेड है CHT में। बहुत ही मस्त जगह है, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, और एक इंटरटेनमेंट ब्लॉग बनने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना एंड कल मिलते हैं 26th December। टुडे इज 26th December एंड लेफ्ट फॉर CHT एंड वहाँ पर पिछले क्लिप में बताया था हम लोग जाने वाले हैं म्यूजियम। यहाँ पर सब लोग ध्रुव भाई भी है, जो कि पिछले ब्लॉग में थे, आदित्य, सायन, ये लोग सब बहुत पहले आए थे ब्लॉग में। एंड अभी पिछली बार की तरह वापस बस पकड़ना है कुर्ला स्टेशन, वहाँ से CHT। सैफ खड़ा है बस स्टॉप पे, उसको भी आधे घंटे से वेट करा कर, इन लोगों ने लेट किया। हाँ मिल जाना चाहिए टाइम, अभी मेरे को छुट्टा लेना था यार, छुट्टा नहीं मिला। 500 है सैफ भाई भी आ गए, सब लोग मिल गए यहाँ पर। अभी बस एक प्रॉब्लम है अर्नव का, उसको बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने बोला कि भाई तू डायरेक्ट CHT मिल, क्योंकि ज़्यादा लेट करने से अच्छा है डायरेक्ट वहाँ पर ही मिलते हैं। भाई अभी तक छोड़ के जाने वाले थे हम लोग, अच्छा वो तो टाइम पे आया। मैंने ब्लॉग में तक मैंने बोल दिया था अर्नव को डायरेक्ट CHT मिलेंगे। जल्दी आ जा, मैं बाहर। अरे मैंने तो कल बोला था, चल ठीक है, चल चल चल। अर्नब भैया टिकट निकाल लें, ऑफिस पिछले बार की तरह। ऑफिस से कुर्ला स्टेशन CHT की तरफ जाने वाले, अभी तो फिलहाल अभी आना जाना चालू हो गया, हमें अभी आते जाते रहेंगे। सयन कितने टाइम बाद आया तू कुर्ला स्टेशन? बहुत दिन बाद, 2 साल बाद आया। आदित्य तो तू अभी आया, कितने टाइम हो गया? 1 साल हो गया। वाह, अभी हम लोग सब तो जूने हैं, ये लोग पहली बार आए। दिन भी आए थे, हाँ आज भी आए। आज मेगा ब्लॉक की वजह से गाइस ट्रेन हम लोग को CHT आते थे कुर्ला से 1.5 घंटा लग गया। ये देखो पीछे भी और एक ट्रेन है, मतलब आज इतना ज़्यादा रश है ट्रेन्स का, और मेगा ब्लॉक है ऊपर से, तो सब ट्रेन एकदम डिले हो गई है। 1.5 घंटा लगा, लिटरली बता रहा हूँ, कुर्ला से CHT आने मेगा ब्लॉक की वजह से। इतना लंबा टाइम लोकल ट्रेन में लगा हुआ है, क्या बोलने का। और एक पीछे और एक ट्रेन है लाइन में, लिटरली बता रहा हूँ भाई, 15 मिनट के रास्ते को 1 घंटा लगा, क्योंकि मेगा ब्लॉक था भाई। बहुत इतना मतलब दिमाग खराब हुआ ना आज, इतना टाइम बहुत रुकी ट्रेन, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। ट्रेन का ऑप्शन हम लोग ने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि भाई बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बट थोड़ा जान दो, अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर CHT स्टेशन। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हमारे पीछे। एंड चश्मा अर्नब के पास रह गया ना, तो यार धूप बहुत है, 2 बजे। CHT स्टेशन से 1.7 किलोमीटर का वॉक है यहाँ से म्यूजियम, एंड यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं, बाजू में ही ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी सब लोग आ गए, एंजॉय कर। आज बॉम्बे पूरा खाली लग रहा है यार, देख सब शॉप्स बंद है इधर पे, कुछ ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है, क्या पता क्या। अभी ये पूरा लॉकडाउन तो थोड़ी लगा यार, क्या बात का। हाँ भाई मेरे पास लॉकडाउन का कुछ न्यूज़ आया नहीं, बट ओमिक्रॉन का कुछ ना, मेरे ख्याल से संडे करके बंद है, संडे सब हॉलीडे। हाँ ऐसे कैसे तैसे पहुँच गए वास्तु संग्रहालय, मतलब हिंदी नाम है उसका, प्रिंस ऑफ वेल्स बोलते हैं इसको। एंट्री ले लिया म्यूजियम में, 65 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे हैं एंट्री फीस, और मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, 20 रुपीज़ कुछ था ये अपना वीडियो के लिए। एंड बाकी अभी यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ऑफिशियली। बाकी मुझे टिकट पड़ी 65+20 में, ये अलग से पास मिलता है, जिसको भी फोटो या वीडियो कुछ निकालना है उसके लिए ये। बाकी मेरे दोस्तों ने तो नहीं निकाला, बस मेरे को निकालना पड़ा वीडियो के लिए। 60 रुपीज़ चार्ज है इस बैंड का, 20 नहीं 60 रुपीज़ है सर, 60 है ना इसका।
देख क्या तेरी फेवरेट जगह हिस्ट्री सेक्शन। अरे मेरा पीछे देखो क्या सब कुछ है। दिस इज़ एक्चुअली द जॉब ब्लू व्हेल्स, आप जैसे भी दिख रहा है ये एक्चुअल रियल है एंड इसको आप टच कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग ह्यूज, दिस इज़ सॉ फिश एंड आप वीडियो में आपको नहीं समझेगा बट रियलिटी में आओ इसका एक्चुअल ये जो है साइज़ जैसे बताया है लोग ने बहुत ज़्यादा ह्यूज है ये साइज़ में, आप कुछ समझेगा नहीं वीडियो में। यू ऑल कैन नाउ कंपेयर मी फिश, आपको पता चलेगा एक्चुअल साइज़ क्या है। ये देखो साइज़ देखो फिश का। दिस इज ऑल्सो ह्यूज इन साइज, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। आप जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर होता है पार्ट वन सामान, अभी और भी कुछ है आगे, यहाँ देखने यहाँ पर क्या है। Now we are going for part 3, money and jewelries.
वाला सेक्शन अभी अभी एग्जिट किया है और मतलब इतना मजा आया ना, क्या बोलता है, ऐसी ऐसी चीज देखने मिली है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, मस्त एक्सपीरियंस था। हाँ एक्सपीरियंस बहुत अलग है, लेकिन हिस्ट्री में ज्यादा इसको इंटरेस्ट है, वो आओ देखो। बहुत सारी चीज मैंने वीडियो में स्किप किया, मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, जो जो मेन मेन पार्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और एक बार बता रहा हूँ, दिस इज प्रिंस ऑफ फिल्म म्यूजियम, जो कि मुंबई में वास्तु संग्रहालय के नाम से बहुत फेमस है, CST में लोकेटेड है। गूगल पे डालोगे डायरेक्शन लोकेशन सब आपको पता चल जाएगा, तो आओ विजिट करो, बहुत सही जगह है। आप जा रहे हैं टेक्सटाइल एंड कॉस्ट्यूम गैलरी, पता नहीं आप और रहेगा पता नहीं, बट जितना भी रहेगा वो कैसा लगा, अजीब से कैसा लगा भाई, कैसी जगह बढ़ के था ना, विजिट करो वापस से बोलो विजिट करो। यहाँ पर से जितना था अंदर, हम लोग ने अभी यहाँ से एग्जिट ले लिया है एंड अभी देख रहे हैं और कुछ देखने मिलता है कि नहीं। बाकी ये था हमारे पीछे प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम वास्तु संग्रहालय, ये अर्नब मेरे को लेके आ गया चिल्ड्रन सेक्शन में, कुछ था तो नहीं उधर ऐसे, और फिर भी और यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन चालू है, देख बहुत सारे चीज़ मेरे को लगता है बंद है अभी तक दिखाई नहीं है, देखो ये जितना ये वाला पार्ट पूरा चालू है एंड ये वाला पार्ट पूरा कंस्ट्रक्शन वाला है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, मे भी अंदर और बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बाकी वो तो बंद है यार, जाने आगे दिए नहीं। ध्रुव थोड़ा उधर पर जा, देखो कंपेयर करेंगे ट्री से, इसका साइज पता चलेगा फिर। ध्रुव इसके सामने कितना सा लग रहा है, अरे जाना एक्चुअली रियलिटी में बहुत मोटा है, ये वीडियो में कुछ नहीं समझेगा, बहुत ज़्यादा लंबा ही है इसका बेस, देखो बताना भूल गया सैफ ने कैमरा भी लाया था इसके साथ, इसमें वीडियो शूट कर सकते हैं, कैसा क्वालिटी कैसा वीडियो का। अच्छा म्यूजियम तो पूरा हम लोग ने घूम लिया है एंड अभी मैं बीरोल लूँगा सैफ के कैमरे से, छोटे छोटे क्लिप रहेंगे, कैमरे के क्लिप है, बता आपको क्वालिटी कैसी रहेगी, तो वो इन्जॉय करो आप। You don't see the things I see, I tell you things you won't believe, above the skies overseas, I hear them all those places calling me। यहाँ पर होता है बीरोल समाप्त एंड यहाँ पर भी होता है म्यूजियम का कार्यक्रम समाप्त, जितना भी था सब का सब कुछ आपको दिखा दिया है, अभी कुछ खाने का प्लान बनाते हैं, कुछ अच्छा खाएंगे, ऐसे गेट भी बाजू में एंड गेट पे चलना है, खा पी के जाएंगे। अरे कोई अच्छा सा होटल ढूंढो यार भाई, सही में भूख लग रही है भाई, ध्रुव कोई होटल है तो चेक करना यार, कुछ ढूंढो जल्दी ढूंढो कोई होटल। इस बार चिकन कड़ी नहीं, चिकन थाली मंगाया है इस बार, कुछ अलग फुल चिकन आइटम है ये सब एंड सब इंजॉय कर रहा है, बस सैफ ने कुछ अलग मंगाया, सैफ ने डोसा मंगाया, मज़ा आएगी नहीं भाई, खाना बहुत अच्छा था, चिकन थाली इस बार मंगाया था एंड बहुत मज़ा आई, बट खाना टेस्ट में बहुत अच्छा था। अभी यहाँ से क्या प्लान है, चले गेट पे चले, बाजू में ही है, मैं ये वाला सीक्वेंस बीरोल में शूट करूंगा, तो थोड़ा उसमें ही देखो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और To never give up, to never back down, you get through the storm, even the nights the darkest before the dawn, live your life, live your dream, it's the sound of soul in me, live your life, live your dream. It was not easy from the start, there were days when I fell apart, just keep following your heart, keep that hope, cause it's hope that dies the last, to never give up, to never back down, I believe it's true, every day the sun rises again for you, hey. Yeah.
कुछ ज़्यादा ही रश है, मतलब एकदम डबल रश है। आज संडे और प्लस क्रिसमस की छुट्टी चली तो मतलब बहुत सारे डबल ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पर। यूजुअली इतना भीड़ होता नहीं है एंड थोड़ा यहाँ पर इन्जॉय करके फोटो खींचेंगे यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ पर भी होता है गेटवे का कार्यक्रम समाप्त। अब यहाँ से जाएंगे बस स्टॉप। पहले तो प्लान था ट्रेन से जाने का, बट मेगा ब्लॉक चल रहा है तो भाई डेढ़ दो घंटा वहाँ चले जाएगा। उससे अच्छा एसी बस है, वो सीधा घर के पास ही छोड़े। एंड स्पेशल थैंक्स टू सेफ भाई, भाई ने हेल्प किया बीरोल के लिए एंड बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लिए इनके कैमरा से। बाकी इनकी आईडी मैं दे दूंगा, जाके हो सके तो फॉलो कर देना। अर्णव तो यार इसको मतलब सी यू टुमारो नहीं मैं वो बोल रहा हूँ, जितने ही फोटो खींचो तेरे लिए कम है। वही तो ब्रो, वैसे फोटोशूट करने का मुझे बहुत सालवर का फोटो खींचा आज। हाँ कितने, हाँ सही बोला, ये बात कट कर देना। कट हर्ष भाई नहीं, वेटिंग फॉर द बस एंड वी आर एट नाउ। बाहर ही है हम लोग, वहाँ पर बस स्टॉप है। बस से जाने का इसके लिए हम लोग ने चूज़ किया क्योंकि यहाँ से स्टेशन जो है वो है 2-3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला भाई बस स्टॉप बाजू में, यहाँ से बस सीधा जाती है भाई अपने चेंबूर, तो वो इजी पड़ेगा। क्या बोलते हैं, ट्रेन लेट भी आती है ना बहुत। हाँ आज एक्चुअली मेगा ब्लॉक का है उसके वजह से बहुत लेट हो रहा है। बाकी आप सीधा बस में बैठ के मिलते हैं। अभी हम लोग फिलहाल बस में बैठ चुके हैं एंड जा रहे हैं चेंबूर की तरफ। सीट सब मिल गए, सब इंजॉय कर रहे हैं। जितने भी हम लोग ने फोटोज निकाला था सब चेक कर रहे हैं बराबर आए कि नहीं। देखो वहाँ पर सैफ बैठा है, अर्णव, आदित्य, सयन, ध्रुव एंड हम लोग यहाँ घर पे मिलते हैं डायरेक्ट। कैसा लगा भाई ध्रुव? बहुत मज़ा आया, आज का भी संडे है। ऑलराइट लिसन चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स, आपको ब्लॉग देखने में यहाँ तक मजा होगा। मजा आएगा तो लाइक का बटन दबाना अनिवार्य है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर यहाँ तक देखे हो इसका मतलब आपको ब्लॉग पसंद आया। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड शॉर्ट ब्रीफ में आपको इस ब्लॉग का बता देता हूँ। हम लोग गए थे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि है मुंबई CSMT में एंड अगर आप CST स्टेशन उतर रहे हो वहाँ से गूगल मैप में आप डायरेक्शन डाल देना प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम तक का, तो आपको बराबर रास्ता बताएगा। CST स्टेशन से 2 किलोमीटर का वॉक है, मैं प्रेफर करूँगा वहाँ से बस ले लेना सीधा भारी छोड़ती है म्यूजियम के। एंड म्यूजियम में एंट्री करोगे तो 6 कुछ चार्ज है एंट्री फीस, 65 रुपीज़ एंट्री चार्ज है। एंड अगर शूट भी करना है आप लोग को फोटो वोटो वीडियो उसके लिए अलग से 65 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। बाकी गेटवे का गेटवे में भी बहुत मज़ा किया एंड खाना खाए घर पे आ गए वापस बस से आए आने के टाइम, क्योंकि चल के जाने तक स्टेशन की हिम्मत नहीं 2 किलोमीटर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वन। In the world, time enough for life to unfold all the precious things love has.